गणेश उत्सव है और मेरे घर पे फुल टू प्रिपरेशन चालू है। और जैसे कि आपने देखा कि मेरी मम्मी प्रिपरेशन कर रही है मुझे गणपति बनाने की, और मुझे लगता है कि मैं गणपति का रोल अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पेट भी फुला हुआ है। तो अभी देखते हैं मैं कैसा गणपति बनता हूँ। मासी आप तो क्या हो, क्या डरपोक हो, डरपोक हो, इतनी सी पिंचे। आ मम्मा पिंचू बा, इतनी तो लड़कियां भी नहीं आपको नखरे करती। चुबाऊं पिन तो पता चलेगा। हाँ, मैं चुबा दूं? कब चुबा ही नहीं, मम्मी ने पिन अभी हाथ में पकड़ी थी पहले ही। ओए होए होए होए, मम्मी बीच में आ रही है बार बार। वही तो श्राप, मैं किसी को भी श्राप दे सकता हूँ। इस बार थोड़ा अलग करो ना, हर बार एक ही जैसा लुक। ये है मानस की मम्मी, जो मम्मी उसकी तैयारी कर रही है। अरे ऐसा होता है, मत तो। और ये है उसकी मासी। मासी नहीं, ऐसा मासी मासी बाली वाली मासी। ये है द ग्रैंड मानस वेला। मामी अब मैं अपने चैनल में कभी लाऊंगा ही नहीं, मैं आने भी नहीं वाली। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा आपके पप्पा कहाँ है? आई मीन शंकर भगवान कहाँ है? वो देख रहा है मूसक अपने गणपति को देख रहा है। आप देख सकते हैं इधर कितना पसारा है। नहीं। क्यों नहीं देख सकते, आपके सामने ही है। मेरा फोन में मुंह है, मैं तो देख लो उधर कितना टाइम लगता है। और ये मेरी मामी है, इनको मस्ती तो हमेशा चढ़ी रहती है। नहीं, ये पार्वती माता है, ये पार्वती माता ने मुझे वरदान दिया है कि मैं आज गणेशा का पिज्जा खा लूंगी। मेरे सामने तो नहीं दिया, तेरे सामने दिया। गणेश जी के साथ बाजू में ही बैठे थे। और जब ये वरदान गणेश जी की मम्मी ने वरदान दिया तो गणेश जी कुछ बोल नहीं सकते। ये चट्टी वाले गणेश जी की मम्मी ने वरदान दिया। गाइस क्या है ना, हम इतना थक चुके हैं एक्चुअली, ये सब करने में इतना टाइम भी हो गया है, खाना बनाने का तो मौका ही नहीं मिला। 4 बजे वी आर ऑर्डरिंग पिज्जा। ये मानस जो पसंद आएगा एक एक्स्ट्रा, ठीक है ना? ये हमारा जुगाड़ है, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू वर्क एट ऑल, तो हम लोग ने पिज्जे के ही बॉक्स को फाड़ के उसी में ले लिया। अभी आपका पकड़ो। थैंक यू थैंक यू। सो गाइस, पिज्जा खाने के बाद अभी हम आइसक्रीम खाएंगे। खाकर में हमने चमचम खाया था और इधर हम आइसक्रीम खा रहे हैं, वो भी मिक्स। चलो ऐसे कौन तो लिक्विड करने के लिए चबाना पड़ता है क्या? चूसने को चम ही नहीं रहा है। चबा रहा है वो, पर मुंह बंद कर रहा है तो ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि मैं चबा रहा हूँ। वो बुड्ढे बोल रहे थे ना, वो लोग ऐसे करते हैं, दांत नहीं रहता उनका।